हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उस आदमी पे ऐसे केस डालना कि जिंदगी भर जेल के बाहर ना निकल पाए। अरे इन लोगों को छोड़ देने से उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। काव्या, ये आप रखिए। थैंक यू। पुलिस थाने जा रहे हो, काव्या के साथ कोई लड़की होगी तो अच्छा रहेगा, वो नंदिनी को लेकर जाओ। नहीं बा, वो हमारे साथ नहीं जाएगी, ना वो हमारे साथ जाएगी और ना ही वो इस घर में आएगी। ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ हुआ है क्या? बापूजी, बा इस बार में बाद में बात करते हैं ना, आराम से। बाद में क्यों? अभी क्या राहु काल चल रहा है, मुझे अभी के अभी जानना है। दीदी आप गुस्सा मत कीजिए, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है। चुप कर बैलू, क्या हुआ, ऐसा क्या किया है नंदिनी ने? नंदिनी से कोई गलती हुई है क्या? जो किया है उसके लिए गलती बहुत छोटा शब्द है काव्या। रंगे हाथों पकड़ा दोनों को मैंने, और जब मैंने इसे डांटा तो मुझे कह रहा था कि मेरे प्यार को इंसल्ट मत करो। जब मैंने कहा कि मैं इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में हूं तो इसकी मां झंडा लेके खड़ी हो गई कि मेरे बेटे का पहला प्यार अधूरा नहीं रहेगा। प्यार माय फुट। अब इन दोनों को आप ही लोग समझाइए, इन मां बेटे को मैं नहीं समझा सकता हूं कि ये रिश्ता कितना गलत है। बस यही देखना बाकी रह गया था। मासी तो मासी, अब भांजी भी इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। आपको भी यही समय मिला था ये सब बातें करने का? बात सुनिए ने, ऐसा तू रहने ही दे। इस बात पे 5 पन्नों का भाषण देके कोई फायदा होने वाला नहीं है। वनराज सही है, ये रिश्ता गलत है तो गलत है, और मैं ये रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ हूँ। अगर उसका काव्या के साथ रिश्ता नहीं होता तो भी सोचते थे, पर अब तो सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस घर में ये पागलपन नहीं चलेगा। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे लीला, अभी इन्हें जाने दो। बात करने की आगे जरूरत ही नहीं है, ये बात यही और अभी खत्म। मेरे लिए ये रिश्ते का कोई भी मतलब नहीं है। ये रिश्ता नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता है। बाप तू चुप रहे, अभी तो दूध के दांत गए नहीं है और प्रेम लीला शुरू हो गई। कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं? हाँ मासी भांजी, बाप बेटा कैसे हो सकता है? काव्या और नंदिनी का रिश्ता इतना पास का भी नहीं है लीला। हाँ मुझे पता ही था, आप तो इन लोगों की तरफदारी करोगे ही करोगे। आपके लिए आपकी लाडली और उसका लाडला बेटा किसी का खून भी कर लेना तो आप मरने वाले की गलती देखोगे, मारने वाले की नहीं। बापू बजाय उसे रोकने की या समझाने की जगह पे बढ़ावा दे रही है। और नंदिनी तेरी भांजी है इसलिए कह रही हूँ, उसे साफ साफ बता देना, इस घर की बहू बनने का सपना वो देख रही है तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उसे बोल कि हमारे घर और मेरे पोते से दूर रहे। एक काम कर, तू उसे उसकी अम्मा के पास वापस भेज दे। लेकिन मुझे समर और नंदिनी के रिश्ते में कोई इश्यू नहीं दिख रहा है बा। सॉरी बा, सॉरी वनराज, लेकिन समर और नंदिनी के रिश्ते के बारे में सुन के मुझे शॉक जरूर लगा है, लेकिन बुरा नहीं लगा। In fact, I'm happy for them. काव्या तुम ये हाउ? किसी के प्यार को अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा अभी? और अगर मैं नंदिनी की मासी बनकर सोचूं तो मुझे समर में कोई कमी नहीं दिखती, और सिमिलरली नंदिनी में भी कोई कमी नहीं है। In fact, I think they are made for each other. They're so compatible. Compatibility सब कुछ होती है क्या काव्या? Sorry to say, मुझे जहां तक याद है आपने भी यही कहकर अपने अफेयर को जस्टिफाई किया था कि आप और मम्मी कंपैटिबल नहीं है। मम्मी कहती है कि प्यार सेल्फिश नहीं होता, इसलिए मेरे और नंदिनी के रिश्ते में आप सबका अप्रूवल मैटर करता है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे अपने फैसले लेने का हक नहीं है। I am independent now. Oh,
दो पैसे क्या कमाने लगे, बाप को अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ नहीं है ये मिस्टर शाह, ये हिम्मत है, और ये पैसों से नहीं प्यार से आई है। मुझे प्यार के बारे में लेक्चर मत देना। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा पेशेंस टेस्ट करो। आप भी मेरे पेशेंस को मेरी वीकनेस मत समझिएगा। समर, तू बड़ा अंदर जा। रिलैक्स वी, अगर समर और नंदिनी के रिश्ते से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम क्यों? तुझे ना सही, हमें है। और तू क्या चाहती है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये रिश्ता स्वीकार नहीं है, बात खत्म। पर क्यों? वाह, सौतने सहेलियां बन गई हैं। तुम दोनों चंपा चमेली सुन लो, इस घर में मैं बड़ी हूँ और मेरे पोते के लिए कौन बहू आएगी उसका फैसला मैं करूंगी। मगर नंदिनी में क्या कमी है बा? क्या कमी नहीं है, एक तो उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है, वो अकेले रहती है, समर से उम्र में बड़ी है और सिर्फ नाच गाना करती है। बहू बनने का एक भी गुण है? अगर नंदिनी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो इसमें नंदिनी की क्या गलती है बा? और उनका डिवोर्स इसीलिए हुआ था क्योंकि नंदिनी के बर्थ के बाद उसके पापा अचानक से बिना बताए कहीं चले गए थे। लो सुन लो, मतलब बाप का तोता पता भी नहीं है। ऐसे तो कल के वो भी अपनी बाप की तरह भाग जाएगी तो फिर? अरे ऐसा क्यों बोल रही हो लीला? अरे सही तो बोल रही, गलत बोल रही हूँ? खून कभी तो असर दिखाएगा कि नहीं? जैसा भगोड़ा बाप ऐसी भगोड़ी बेटी निकली तो? ये भी बात करो छोबा, जिनको हम जानते तक नहीं है उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? और नंदिनी के माता पिता का तलाक हुआ है, इसमें गलत क्या है? तलाक है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बस रहने दे, अब मुझे तलाक पे 5 पन्नों का भाषण नहीं सुनना है। अरे तलाक वो चिंगारी है जिससे हंसते खेलते घर भी ना जल जाते हैं, और इसीलिए अब तक मैं तुम्हारे और वनराज के तलाक के खिलाफ हूँ। क्या बा, क्या बा? अगर सुनती है तो सुन लेने दे, अगर तूने नहीं सुना है तो फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वनराज और अनुपमा का तलाक हो। अगर तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, पर यही सच है। काव्या, तुम लोग पुलिस स्टेशन जाकर आओ ना, बाद में बात करेंगे।